नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोरोना के इस दौर में हमने इंसानियत की कई तस्वीर देखी है। लोग मानवता के नाम पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। तो कई ऐसे लोग भी हैं जो इस कोरोना काल में लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं और खुलकर काला बाजारी कर लोगों को लूट रहे हैं। अब महाराष्ट्र के नागपुर से एक खबर आई जो इंसानियत को शर्मसार करती है। नागपुर के मेयो अस्पताल में कोरोना शवों से कीमती वस्तुएं चोरी करने वाले दो लोगों को नागपुर पुलिस ने पकड़ लिया। इन चोरों से आधा दर्जन से ज़्यादा मामलों का खुलासा हुआ है। ये दोनों मरे हुए लोगों के शवों से गहने चुरा लेते थे, लेकिन अब इन्हें नागपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी गणेश उत्तम डकोटे और उसका मित्र छत्रपाल किशोर सोन कुसरे दोनों स्पीक एंड स्पन कंपनी के कर्मचारी हैं। उपचार के दौरान जिन कोरोना मरीजों की मौत हुई उनके शवों को ले जाने का कार्य कंपनी की तरफ से ये कर्मचारी करते थे। मरीज कोरोना संक्रमित होने से परिजन को उपचार तथा अंत्येष्टि के वक्त दूर ही रख जाता है। इसी बात का लाभ उठाकर आरोपी पीपीई किट पहनकर शव तथा मरीजों के पास जाते थे और मौका मिलते ही उनका कीमती सामान चोरी करते थे। दरअसल अंजलि तिवारी के पिता की कोविड-19 से उपचार के दौरान 1 अप्रैल को मौत हुई थी। मृत्यु के बाद पिता का किसी ने 18,000 रुपये का मोबाइल चुरा लिया था। मोबाइल ने पुलिस की लोकेशन खंगाली। मेयो से सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त किए। इसके बाद मंगलवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। उन्होंने मेयो अस्पताल में और भी मरीजों तथा शवों से कीमती वस्तुएं चोरी करने की बात कबूल की। ऐसे आधा दर्जन घटनाओं का खुलासा हुआ। इनके पास से पुलिस ने 14,500 रुपये की नकदी, सोने के आभूषण, 8 लेडीज घड़ी, मोबाइल समेत कुल 168,231 रुपये का माल जब्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।